वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास रेडीमेड प्लाजो है और देखिए इसमें हमें पॉकेट लगानी है और ये दोनों ही तरफ से देखिए बंद है, तो इसमें हमें पॉकेट लगानी है। जो पॉकेट है हमेशा राइट साइड यानी सीधी तरफ लगती है, तो यहाँ पर हमें पॉकेट लगानी है। तो सबसे पहले इसमें ये इनर वाला प्लाजो है, ये देखिए इनर का प्लाजो है, और इसमें सबसे पहले हमें एक सीधी लाइन सिलाई की लगानी पड़ेगी ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। तो ध्यान रहे हमेशा सीधी तरफ, जो हमारे राइट साइड होते हैं उस साइड हम हमेशा जेब लगानी चाहिए। यदि एक जेब लगा रहे हैं, यदि दोनों जेब लगा रहे हैं तो आप लगाएंगे ही, और लेकिन यदि एक लगा रहे हैं तो आप हमेशा सीधी तरफ लगाइए। तो इसकी हम पॉकेट की कटिंग करते हैं, उसके बाद हम सबसे पहले एक सेंटर की हम सिलाई लगाएंगे इसमें। अब देखिए हमने ये हमें जो पॉकेट है ये हमने डबल कपड़ा रखा हुआ, हमारे पास ये वेस्ट कपड़ा है और इसी में से हम बताएंगे। तो इस तरह हमने इसको पूरा मिलाकर इस कपड़े को रखा हुआ है। तो जहाँ आपको देख लेना कि आप यदि कोई किसी कपड़े सजा रहे हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी पूरी होनी चाहिए। तो ये यहाँ से जिस तरह हमें चाहिए उस तरह हमारा पूरा हो रहा है। तो हमने सबसे पहले इसकी जो चौड़ाई है, डबल कपड़ा है और इसकी चौड़ाई हमें 6 इंच की चाहिए, तो हमने इस तरह 6 इंच पर एक निशान लगाया हुआ है इस पर। और जो ये खुली तरफ हो जाएगा वो हमारा, ये देखिए इस साइड से खुला है और इस साइड से हमारी ये बंद पॉकेट है। और यहाँ पर हमें 11 इंच कपड़ा चाहिए, तो हमारा पूरा 11 इंच का कपड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी हमें जो चौड़ाई है 6 इंच की चाहिए, तो हमारी पूरी 6 इंच की चौड़ाई है। और जो इस साइड है बंद साइड है, जो हमें लंबाई है अपनी पॉकेट की, वो 13 इंच की चाहिए, तो हमारी पूरी 13 इंच की है। अब थोड़ी हम इस कपड़े की शेप दे देते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो कुर्ते की कटिंग की थी तो उसकी गोलाई आ रही है, तो इसको हम इस तरह से करके इसकी थोड़ी शेप देंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी पॉकेट है। अब देखिए ऊपर की तरफ से एक आधा इंच का हम निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरह, और इस आधे इंच के निशान के नीचे हम इस तरह से 6 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच का, और यहाँ पर हमें कट का निशान इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी कट मार्क हम लगा देंगे। अब देखिए इस तरह से हमें लाइनिंग को नीचे से इस तरह बिल्कुल इसके साथ मिलाकर और इस तरह से हम रखेंगे यहाँ पर, और एक सिलाई हम लगा देंगे। देखिए एक सिलाई हमने ये लगाई और एक सिलाई हम और लगा देते हैं इस साइड। अब देखिए दो सिलाई हमने ये लगाई है यहाँ पर। अब हम सेंटर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें सेंटर का निशान इस तरह से लगा देंगे, जो हमारी सीधी यहाँ पर क्रीज लाइन है। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि पॉकेट बनेगी तो उल्टी सीधी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें सेंटर का निशान यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए अब दोनों तरफ हमने एक एक अच्छी सिलाई लगाई हुई है। देखिए यहाँ से हमें 6 इंच का एक निशान लगाना है, यहाँ तक 6 इंच का, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए पूरा हमारा 6 इंच पर है। अब देखिए ये हमारी सीधी साइड है, और जो हमने एक कट मार्क यहाँ पर आधा इंच के नीचे लगाया था, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से इसके साथ मिलाकर और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे एक यहाँ तक इस तरीके से। अब देखिए इस तरह हमें रखना है पॉकेट को, और सिर्फ हमें जो आगे का प्लाजो का पीस है ये हमने पीछे इनर सहित कर दिया, और इधर ये देखिए इनर और हमारा फैब्रिक दोनों है। पूरा कट तक हमें इसको यहाँ तक सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगाई है, इधर भी दिखाते हैं सीधी तरफ करके इस तरीके से। ये हमारी सीधी साइड थी, इसको हमने ऐसे किया और सिर्फ इधर का ये दोनों इनर का कपड़ा पकड़ के हमने इसको सिलाई लगा दी है आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए इस तरीके से। अब हम इसको इस तरह करेंगे और अंदर की तरफ कपड़े को करेंगे। देखिए इस तरीके से ये कपड़ा है, और इसको हम जेब को अंदर कर देंगे इस तरीके से। और अंदर करने के बाद हम एक बारीक सिलाई, जो हमारी ये लाइन है यहाँ पर हम एक बारीक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक हमें इस सिलाई को लेना है इस तरह पूरा मिलाते हुए यहाँ तक। और ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बारीक सिलाई लगा दी है। अब देखिए हम इसको उल्टी साइड करेंगे इस तरीके से।
ये देखिए इसको हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा दी है, और ये इस तरह उल्टी साइड है अब हमारा ये प्लाजो, ये देखिए उल्टी साइड है। और अब हमें इस तरह से हमारी ये पॉकेट है, और हमें यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है इसको, इस तरीके से पूरा मिलाकर, और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इसको कोने को हम निकाल देंगे इस तरीके से, देखिए, और एक सिलाई हम इसके ऊपर यहाँ लगाएंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, इस तरह हमने यहाँ पर भी इसकी सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और अब देखिए जो हमारा ये उल्टी साइड हमने इसको प्लाजो को किया हुआ है इस समय, और जो हमारी अब ये देखिए इस तरीके से हम जो ये पॉकेट का मुंह है इसको हम इस तरह अंदर की तरफ कर देंगे, और जो हमारी पॉकेट का ये पीस है एक को हमने इसके साथ लगा दिया है, और एक को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से यहाँ तक ये हमने यहाँ तक इसकी पॉकेट का मुंह बनाया है, तो यहाँ तक हम इसको एक सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद हम इसको अलग रखेंगे क्योंकि इसमें इधर की तरफ उल्टी साइड सिलाई नहीं दिख रही है प्लाजो में, तो इसको हम अलग से यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से पॉकेट का जो मुंह है उसको हम अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से, और जो हमारे प्लाजो का पीछे का पीस है उसको हम इस तरह पकड़ेंगे, और पॉकेट को देखिए यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगाई थी पहले, ये देखिए यहाँ तक हमारी पॉकेट है और यहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी, तो यहाँ पर हम यहाँ तक हम इसको पूरी करेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ तक पूरी कर लिया, अगर जो आपकी प्लाजो में यहाँ सिलाई होती तो आप इसको यहाँ तक पूरा ले लेते, लेकिन अब इसमें सिलाई नहीं है और हम लगाएंगे तो ओवर लगेगी, तो हम क्या करेंगे इसको अलग से ही इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ से पूरा मिलाते हुए, और यहाँ से ही हमें सिलाई लगाएंगे इसके नीचे, डबल सिलाई कर देंगे हम इसको ताकि अच्छे से पक्की हो जाए। ये पॉकेट हमारी लग चुकी है लेकिन इस साइड से हम हमारा खुला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर एक सिलाई लगा दें, और यदि आप ऐसा नहीं करते तो यहाँ से थोड़ी अपनी इलास्टिक खोल लें और इसके साथ इसको अटैच कर दें। सिर्फ एक सिलाई हमें नीचे की खोलनी है इसकी, उसी में हमारा काम हो जाएगा इस तरीके से, सिर्फ नीचे नीचे की, ये दो सिलाई हमें खोलने की आवश्यकता नहीं, हमें इसको खोलना है सिर्फ ही, तो हमें यहाँ तक खोलना है, इतना हम खोल चुके हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ से खोल चुके हैं, ये देखिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं इस साइड यहाँ पर। अब जो हमने आधा इंच छोड़ा था उसको हमने इस तरह सिलाई लगा दी है। अब हम जो अपनी पॉकेट हमारी ऊपर की तरफ से खुली है इसको हम इस तरह रखेंगे इसके अंदर, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे कि पूरा हमें ये है, और इसको हम पूरा इस तरह खींच लेंगे इस तरीके से, और पॉकेट को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे पूरा अच्छी तरह सफाई के साथ खींच कर पूरा झोलना है। और देखिए इस तरीके से हमने पॉकेट को अपने लगा दिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब सीधी करके हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए ये उल्टी साइड है लेकिन जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये सीधी साइड चला जाएगा, देखिए पॉकेट। अब सीधा करते हैं हम इसको। अब देखिए इस तरीके से ये हमारी सीधी साइड आ गई है, ये देखिए हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो हमने एक कच्ची सिलाई इधर लगाई थी और एक कच्ची सिलाई हमने इसको इधर लगाई थी ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, तो इसको भी हम इस तरीके से खोल देंगे, ये देखिए इस तरह से इस साइड भी। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी एकदम पॉकेट लगी है। और इस तरह से आप कोई भी रेडीमेड प्लाजो हो या ट्राउजर हो उसमें इस तरीके से आप जेब लगा सकते हैं। और यदि आप इधर से खुला हो तो जो हमने नीचे से अलग छोड़ा हुआ है ये नीचे की तरफ हमने इसको अलग रखा है, तो आप फिर यदि इसमें सिलाई लगी है तो आप उसको
ट्राउजर में हमेशा सिलाई होती है, तो उसके साथ ही आप इसको हमेशा अटैच कर दें यहाँ तक, और फिर सीधी सिलाई नीचे तक ले जाएं। आपको हमारी इस तरह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की हमने और भी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो इस और भी हमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हमें वो भी प्रोत्साहन मिलता है, और इस तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार हम आपके इसको डालकर दिखाएंगे।